कपिल कांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूं। आज हम एक नए वीडियो के साथ पुनः उपस्थित हैं और आज लेकर आए हैं सेकंड पार्ट, किसका? आदमी, औरत और बच्चे वाले प्रश्न जो हैं उसका हम सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। फर्स्ट पार्ट आपने बिल्कुल देख लिया होगा और अगर अभी तक नहीं देखा है तो मैं आपको आई बटन में भी उसका लिंक दे दूंगा और साथ साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप जाकर उस वीडियो के लिंक के द्वारा उस वीडियो को देख सकते हैं। पहले वो वीडियो देखें और उसके बाद ये वीडियो देखें तो आपका काम हो जाने वाला है आसान। और यहाँ पर आज हमने क्वेश्चनों का लेवल बढ़ाया है, लेकिन उससे पहले देखिए पटाखों की आवाज़ बता रही है कि दिवाली अभी भी बच्चों के लिए चल रही है। हालांकि दिवाली कल जा चुकी है, आपकी दिवाली कैसी मनी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। चलिए करते हैं, आज आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं लेना है क्योंकि ये चल रहा है त्योहारों का समय, फेस्टिवल टाइम चल रहा है। और देखिए भाई, हम आपका ज़्यादा समय यहाँ पर नहीं लेने वाले, बहुत कम समय में केवल 3 क्वेश्चन आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं और लेवल उन तीनों क्वेश्चनों का दिया है हमने पिछली वीडियो से बढ़ा, तो आपको वो भी ध्यान रखना है, वो चीज़ें भी ध्यान रखनी। एक बार मैं फिर से रिमाइंड करा देता हूँ क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। अथवा और या इंग्लिश में और आया है तो बराबर आना है, तथा और एंड के लिए प्लस आना है, और साथ साथ MDH बटे WR का ध्यान रखना है। M माने आदमी, औरत और बच्चे आ जाएंगे। D फॉर दिन होता है, H फॉर हावर घंटे होते हैं, W फॉर वर्क और R फॉर रेंट मजदूरी होती है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, 2 पुरुष और 5 महिलाएं। दो पुरुष और 5 महिलाओं की बात करी है इन्होंने, तो सबसे पहले 2 पुरुष और 5 महिलाएं किसी काम को कर रही हैं 12 दिन में। देखिए क्या आया है, और के लिए क्या है लगाया हमने प्लस, तो उसी तरह से करना है केवल काम। 5 पुरुष और 2 महिलाएं उस काम को करती हैं 9 दिन में, तो केवल 3 महिलाएं उस काम को कितने दिन में करेंगी? कितनी महिलाएं भाई? 3 महिलाएं। 3 महिलाएं उसे कितने दिन में करेंगी ये देखना है। चलिए अब सबसे पहले क्या करना है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना, पहले आदमियों की संख्याओं की गुणा दिनों की संख्याओं में गुणा करके उनका डिफरेंस लेना है। कैसे? 12 दूनी 24 और 9 पंजे 45। 45 में से 24 जाएंगे, बचेंगे 21, और 12 पंजे 60 और 9 दूनी 18। 60 में से 18 जाएंगे, बचेंगे 42, तो ये आ जाएंगे 21 आदमी बराबर 42 औरतों के। 21 एकम 21, 21 दूनी 42, इसका मतलब M बटे W क्या आ जाता है? 2/1। अब यहाँ पर कोई भी एक कंडीशन इनमें से लेनी है आपको, दूसरी कंडीशन ये दी हुई है। क्या है भाई? 2 आदमी और 5 महिलाएं किसी काम को करती हैं 12 दिन में, तो 3 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में करेंगी? M की जगह क्या बताया हमने? 2 रखना है। M की जगह क्या रखना भैया? 2। W की जगह क्या रखना भैया? 1। W की जगह क्या रखना है? 1। सेम काम करना है यहाँ पर, 3 गुना W की जगह क्या रखेंगे भैया? 1। और D का मान निकाल देंगे यहाँ पर, 2 दूनी 4 और 5 एकम 5, 5 4 9 गुना 12 बराबर 3 गुना D, या 3 चौक 12 और 9 चौक 36। इसका मतलब ये आपका कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। क्या ऑप्शन सही बनेगा भैया? ए ऑप्शन सही बनेगा। क्या रखा है? वैल्यू की बात करें, M की जगह 2 और W की जगह 1 रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बड़े आसान तरीके से ये हार्ड क्वेश्चन भी हो जाते हैं, इस बार हमने थोड़ा सा और लेवल बढ़ाया, इस बार आपके क्वेश्चन में काम भी दे दिया है। आज का क्वेश्चन नंबर 2 है भाई, क्या है? 4 पुरुष 4 पुरुष या, अब या आया है तो बराबर, या आया है तो बराबर, 6 स्त्रियां एक कार्य को 7 घंटे प्रतिदिन करके 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। पहले से हल करो भाई, 2 दूनी 4 2 3 6, इसका मतलब M बटे W बराबर हो जाएगा भाई 3/2। अब बात क्या कही है वो देख लेते हैं, 4 पुरुष या 6 महिलाएं, तो किसी एक को लेना है आपको, हमने पुरुष ले लिए हैं, 4 पुरुष किसी काम को 7 घंटे ऊपर आने हैं भाई,
प्रतिदिन कार्य करके 12 दिनों में दिन भी ऊपर आने हैं, कर सकते हैं, तदनुसार उसी कार्य का दुगुना भाग। इसका मतलब यहाँ पे काम क्या था, एक, और इधर काम करने हैं दो, 10 पुरुष और तथा आया है, तथा के लिए प्लस लगाना है, तथा तीन स्त्रियाँ 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने दिन में करेंगे। अब यहाँ पर फिर M की जगह क्या रखेंगे भैया, 3, W की जगह क्या रखना है हमें, W की जगह रखना है भैया 2, तो 10 × 3 प्लस 3 × 2 और 8 × D/2, 2 × 4 = 8, तो यह आया भैया 4 × 3 × 7 × 12 = 10 × 3 = 30 और 3 × 2 = 6 = 30 और 6 = 36 × 4 × D, तो 12 × 3 = 36 और 4 × 3 = 12, तो D की वैल्यू कितनी आई भाई, 7। D की वैल्यू कितनी आ गई, 7 दिन यहाँ पर आंसर बनता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। देखिए, इस त्योहारों के मौसम में, फेस्टिवल टाइम में पटाखों की गूंज आप बिल्कुल सुन रहे हैं, तो चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। और यहाँ पर है 15 पुरुष तथा 18 महिलाएं किसी काम को 6 दिन में करती हैं। 15 पुरुष और 18 तथा, या और आता है या एंड आता है तो आपको प्लस लेना है, करते हैं कितने दिन में, 6 दिन में। तो एक पुरुष उसी काम को 150 दिन में कर रहे हैं। देखिए, ये क्वेश्चन इसलिए उठाया है क्योंकि यहाँ पर दोनों चीज़ नहीं दी गई हैं। इस वाली नीली जगह पर, इस वाली कंडीशन में केवल और केवल आदमी की बात करी गई है, महिलाओं की बात नहीं की गई है, इसलिए क्वेश्चन उठाया है। तो 15 × 6 = 90 और 150 × 150, मैंने क्या बताया था, पहले आदमियों की गुणा करनी है आपको दिनों में और फिर उनका डिफरेंस। तो यहाँ पर 90 जाएंगे 150 में से, बचेंगे 60 आदमी। और यहाँ पर देखें, 18 की और 6 की आप मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि यहाँ पर तो है ही नहीं, अगर नहीं है तो 0W भी लिख सकते हैं, तो 0 की 150 में गुणा होगी, 0 ही आ जाएगा, डिफरेंस यही बचेगा बिल्कुल। 6 से कैंसिल किया 10 बार, 2 से कैंसिल किया 5 और 9 बार, इसका मतलब M/W बराबर जाएगा 9/5। करना क्या है, करना क्या है वो देखते हैं भाई। उसने पूछा है यहाँ पर, एक महिला कितने दिन में करेंगे। देखिए, इनमें से कोई एक कंडीशन ले हम, तो ली हमने 15M प्लस 18W इंटू 6 बराबर हो जाएगी, एक महिला कितने दिन में करेगी। तो M की वैल्यू कितनी है भाई, M की वैल्यू 9 है और W की वैल्यू कितनी है, 5 है इंटू 6 और 1 इंटू W की वैल्यू 5 इंटू D है, ठीक है भाई। तो 18 × 90 और 15 × 135 टोटल करेंगे 225 × 6 = 1 × 5 × D और 5 से अगर काटा तो 5 × 20 और 5 × 25 और 45 सिक्का होते हैं 270, इसका मतलब यहाँ पर डी ऑप्शन सही होता हुआ। तो ये हमने कुछ थोड़े से ऊपर लेवल के क्वेश्चन लिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा बिल्कुल हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। और अभी तक के लिए इतना ही, अपने त्योहारों को अच्छी तरह मनाएं और अगली दिवाली तक नौकरी पर चले जाएं, इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।